सो द लगातार पै रहे मीह ने हड़ वर्गे हालात बना दिते ने। पूना इलाके दे विच बने ने हड़ वर्गे हालात। मीह दे कारण सरकारी दफ्तरां दे विच भी पानी भर गया। सड़कां तलाब दा रूप धारण कर चुकियां ने। प्रशासन दे वल्लों पानी दी निकासी लई कोई प्रबंध नहीं कीता गया ते किते ना किते प्रशासन दी कारगुजारी ते सवाल उठदे नजर आ रहे ने। प्रशासन दी पोल खुलदी हुई नजर आ रही है। तस्वीरां तुसी वेख सकदे हो, फतेहबाद दीआं तस्वीरां जिथे कि सरकारी दफ्तरां दे अंदर भी पानी तक भर चुकिआ है ते सड़कां तलाब दा रूप धारण कर चुकियां ने। लगातार पै रहे मीह ने प्रशासन दी पोल खोल के रख दिती है। पूना इलाके दे विच हड़ वर्गे हालात बने हुए ने। मीह दे कारण सरकारी दफ्तरां दे विच भी पानी भरिया होया। फाइलां तुसीं वेख सकदे हो, सरकारी दफ्तरां दे विच जिहड़े जरूरी दस्तावेज ने उह भी सारे पानी दे विच रुड़दे हुए नजर आ रहे ने। तां सड़कां तलाब दा रूप धारण कर चुकियां ने। हालांकि बच्चे इस मोमेंट नू इस तालाब दे विच काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे ने, लेकिन ये बहुत चिंता वर्गे हालात बने हुए ने कि पानी सड़कां ते भर गया ते आम लोगों नू खज्जल होना पै रहा। तब वधेरे जानकारी लई साडे नाल सहयोगी गगन जुड़े ने, गलबात करांगे। जी गगन, अजे हालात इस वेले बने कोई ने, लगातार पै रहे मीह दे कारण सड़कां तालाब दा रूप धारण कर चुकियां ने, की कुछ अपडेट है? बिल्कुल, कल देर शाम जिहड़ी बारिश हुई सी उस दिन जो है ऊना इलाके के हालात जड़े ने पत्ते पत्थर हो गए ने। तुसी तस्वीरां देख सकते हो कि सरकारी दफ्तर च पानी वर गया और जिहड़ी फाइलां सी वह भी यहाँ वह भी जिहड़ी है बारिश के पानी से चपेट से आ गई ने। और हालात जड़े ने काफी नाक ने उधर, और जड़े बच्चे ने वो इंजॉय कर रहे ने इस पानी च। उन्होंने मतलब ये स्विमिंग पूल समझ के मतलब बच्चे है तैराकी कर रहे ने। आज तुसी तस्वीरां देख सकते हो, और मौके से जेडे एसडीएम है फतेहाबाद के वह मौके से पहुंचे हुए ने, और पानी निकालने का जेड़ा सिलसिला है वह जारी है। जी गगन, जानना चाहवांगे कि मीह ता अक्सर पैंदा ही रहंदा है, अजे हालात इस तो पहला भी बने ने, जेकर बने ने ता सरकार ने उस वक्त ध्यान क्यों नहीं दिता कि हुण भी लोकां नू खज्जल होना पै रहा है? जी जेड़े हालात ने तुसी तस्वीरां देख रहे हो, ये हर बार जेड़ा मानसून हर बार यही हालात देखे जाते ने। सरकार करोड़ों रुपए बजट जारी करती है, मतलब जेड़ा पहले मानसून तो लैके पहले बैठक होंदियां ने अधिकारियों की, उस तो बाद सरकार ये रूपरेखा बनाती है कि जिधर भी पानी भरेगा वो प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी होगी, और करोड़ों रुपए का बजट जारी होता है। उस तो बाद भी इसका स्थाई समाधान नहीं हो पाता, इसनू लैके प्रशासनिक अधिकारियों से भी प्रश्न चिन्ह लगता है। जिहड़ा पैसा सरकार जारी करती है वो किधर जाता है? अगर लगता है तो फिर जल भराव क्यों होता है? ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन जिहड़ा सरकार है वो अपनी तैयारियां पूरी करती है, लेकिन थल्ले वाले अधिकारी है वो अपनी जिहड़ी ड्यूटी है वो सही तरह नहीं निभांदे। जी गगन, जिस तरह तस्वीर अपने आप दे विच बहुत कुछ बयान कर दिया ने कि सरकारी दफ्तर का यह हाल है, तो सड़कों का तो होर बुरा हाल होगा ही होगा, लेकिन हुण इत्थे सवाल एक ही खड़ा हो जाता है कि आखिरकार सरकार इस मामले नूं लेके की स्पष्टीकरण दिंदी नजर आ रही है? सरकारी दफ्तर की जिम्मेवारी किहड़े सरकारी उच्च अधिकारी इत्थे मौजूद ने कि उन्होंने गलबात हो पाई है कि अजे हालात सरकारी दफ्तर के ने? जी हुण तां जिहड़ा पानी है वो धीरे धीरे करके निकल रहा है। एसडीएम है जिहड़े फतेहाबाद दे राजेश कुमार, वो मौके ते पहुंचे हुए ने। लोग विरोध कर रहे ने क्योंकि उन्होंने घेरा करके उन्होंने घेर लिया है, और उन्होंने यही कहा है कि स्थाई समाधान जिहड़ा है इहदा किया जाए। और एक सूचना यह भी आ रही है कि फतेहाबाद दे विधायक ने वो भी मौके ते पहुंचे हुए ने। लोगों नू शांत कराने का सिलसिला जारी है। लोगों का विरोध है जिहड़ा वो सातवें आसमान ते पहुंचा हुआ है। मैं गल करता सड़कां दा पूरी तरह तालाब बनिया पे ने। लोग जिहड़े घर च दुखे पे ने, मतलब जिहड़े खान पीन नू भी लोग जो है अपने घरों तो बाहर नहीं निकल सकते, तो एवें बदतर हालात जिहड़े पूना इलाके दे देखे जा सकते ने। जी बहुत बहुत शुक्रिया गगन, वधेरे जानकारी देने दे लई।